बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और व्यूअर्स कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। व्यूअर्स आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ गजरेला की रेसिपी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और सर्दियों के सीज़न में तो बहुत ही मज़े की लगती है, तो आप घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो व्यूअर्स ये मैंने 1.25 किलो दूध लिया था, इसको मैंने इतना पकाया कि ये 1 किलो रह गया। अब ये बॉईल हो चुका है दूध, तो इसमें मैं ये चावल मैंने लिया है, 4 टेबलस्पून मैंने चावल लिए थे, इसको मैंने भिगो दिया था। अब इसको हम हाथ से ये मसल कर इस तरीके से इसको मसल के हम ये चावल पानी के अंदर ये चावलों को डाल देंगे। ये देखो ये सारे चावलों को इस तरीके से करके हम ये दूध के अंदर डाल देंगे। चावलों को 2 टुकड़े धो दिया था मैंने 2-3 घंटा पहले। अभी हम पकाएंगे चावल, जब पक जाए फिर इसके अंदर हम गाजर डालेंगे। गाजर को मैंने जैसे मैंने इसको कश करके रख लिया। ये मैंने 2 बड़े साइज के गाजर लिए थे। व्यूअर्स ये देखें ये चावल इतने पक चुके हैं हमारे। अब इसके अंदर मैं ये इलायची पाउडर ये ऐड कर दूंगी। ये जो गाजर कश करके रखा था वो भी ऐड करते हैं। अब इसको हम मज़ीद और पकाएंगे। बस ये देखें अब इसके अंदर हम चीनी ऐड करेंगे। चीनी इसके अंदर मैं 1/2 कप चीनी डालूंगी, अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे हम 10 मिनट और पकाएंगे, उसके बाद फिर डिश आउट करके आपको दिखाएंगे। ये देखिए बस तैयार है, इसे मैं डिश आउट कर लेती हूँ। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, बस ऐसे ही रखना है आपने। अब ऐसे निकालती हूँ और पिस्ते बादाम से गार्निशिंग करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अभी बस ये निकाल दिए, कितनी प्यारी शक्ल आई है, खाने में भी नहायत टेस्टी होगी। आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने घर वालों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।